हाँ भाई, एक टाइट वाला पान बनाना। हाँ भैया, गाड़ी कैसी है? एकदम मस्त है उस्ताद। किसकी है? अरे अपनी समझ, अपने बहनोई की है। और हाँ, पान में चूना लगाना, हमें चूना मत लगाना। चले। भैया पैसे। घटिया लोग, गाड़ी तो बड़ी जानी पहचानी लगती है। अफलातून, गाड़ी लेके क्या है? कह रहा था चेक कराने लेके जा रहा हूँ, बैठ गया होगा कहीं खाने। नहीं तो अगर चेक कराने लेके जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाता। सेना बंदा साथ जाना चाहिए ना। मैंने तो अफलातून को फोन भी किया था, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं देखता हूँ उस नालायक को, आखिर जाएगा कहाँ। हेलो, ये उसी नालायक का होगा, मेरी बात करा इस कमीने से। अरे नहीं अंकल, मेरा मतलब ये तो मेरे पापा का फोन है ना। हेलो, कहाँ हो तुम? सर आपकी क्लिनिक में हूँ। जुबान निकालो। हाँ रोमियो, कहाँ हो तुम? पापा मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। तुम्हारी मामा की गाड़ी कहाँ है? मामा की गाड़ी मेरे पास है, क्यों क्या हुआ? अब अंकल है ना, मेरी बात कराओ। दो दो अब। हेलो सलाम अलैकुम अंकल, मैं हीर बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? हाँ हीर, जबान निकालो। अंकल आप बहुत मखौली हैं। वो असल में ना मेरे घर वालों ने रोमियो को चाय पर बुलाया था, आप समझ जाए ना मैं क्या कह रही हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे घर वालों को रोमियो तो पसंद आ जाएगा। बस बात तो करने दो अंकल से। हेलो पापा, वो एक्चुअली मैं आया दोस्त के घर पे था, लेकिन उसके बाद यहाँ बैठे और तुम्हें पता ही नहीं कि गाड़ी चोरी हो गई है। अरे नहीं पापा, गाड़ी चोरी नहीं हुई है, गाड़ी मेरे पास है, बाहर खड़ी हुई है। अभी एसएचओ साहब का फोन आया था, चोर गैंग पकड़ा गया है, गाड़ी बरामद हो गई है, तुम फौरन थाने से गाड़ी लेकर पहुंचो। गाड़ी चोरी? तुम ये गाड़ी घर वालों से चोरी करके लाए थे? अरे नहीं हीर, गाड़ी यहाँ बाहर से चोरी हुई है, चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, हम लोगों को थाने जाना होगा। चोरी? इतनी जल्दी पुलिस ने चोरी पकड़ भी ली? अब पता चला ये पुलिस खुद मिली हुई है चोरी में। नजर, तुम जाओ ना रोमियो के साथ थाने, जा। मैं क्यों जाऊं थाने? मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे पकड़ लेते हैं, वापस नहीं आने देते। अरे नजर भाई, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप साथ अफलातून को ले लें। पकड़ सकता भी नहीं है, पकड़ा तो तब जाऊंगा ना कि जब मैं बाहर जाऊंगा। देखिए नजर, मेरी बात सुने ना, मैं अफलातून का नंबर भी नहीं मिल रहा और रोमियो की गाड़ी हमारे घर के बाहर से चोरी हुई है। अब हमारा इतना तो बनता है ना कि हम उसके साथ थाने जाए, वरना 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 हमारी इज्जत का मसला बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हमारी नहीं, ये मेरी इज्जत का मसला है। रोमियो, रोको रोको रोको। कितने पैसे हो गए? सर भाई अंदर जाना है यार। हाँ तो अंदर ही जा रहा हूँ। यहाँ से चले यार, यहीं से वो उधर से भी रास्ता है यार। नजर साहब, उधर नजर साहब बात सुने यार, अंदर गाड़ी खड़ी भी है, चले साथ में मेरे। वो पापा ने बताया हमारी गाड़ी। आ बैठे बैठे। हाँ जी, वो तो हमने चोरों को बरवक्त रेड करके पकड़ लिया, वरना वो तो पुर्जे पुर्जे करके गाड़ी भेज देते। हवलदार, चोरों को तो लेके आओ।
मैं गाड़ी देख सकता हूँ? जी क्यों नहीं, वो बूटे और जरा रोमियो साहब गाड़ी तो चेक करवाओ। आपको गाड़ी किसने चोरी की है? बोले मैंने की है। मैंने की है जी। नहीं मैंने नजर भाई आप मेरे बहनों की जी। और तू इसका बहनोई है? और तू कुर्सी पे कैसे बैठा है? और तू तो सर गले है। उठ उठ उधर से जी। आफ्टर ऑल मैं नमाज़ हूँ, बड़ी इज्जत है मेरी। और भी करते हैं तेरी बड़ी इज्जत छोटी। चलो यार इधर इधर लगो लाइन से, लगो सारे लाइन से और सारे कान पकड़ो। ओ जी कान अपने मगर दे या किसी और की? अरे मुर्गा बन, सारे मुर्गा बनाओ। और ये तेरा बहनोई, और जिसकी तू कह रहे थे कि इसकी गाड़ी है, ये तेरा बहनोई? इस बार माफ कर दे जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। थैंक यू एसएसओ साहब, मैं गाड़ी ले जाऊं? हाँ बेटा ले जाओ। नजर साहब मैं यहाँ हूँ। नजर भाई यहाँ पे मुर्गा क्यों बने हुए? अरे ये आपके साथ है, मैं तो पहचाना ही नहीं। जिस तरह से मार रहे थे उससे तो यही लगता था कि पहचान लिया। रोमियो भाई पिटाई से पहले मैं था। ये तुम्हारा हाल किसने बनाया बताए? तेरा ये हाल किसने किया? मैंने खुद किया है जी। हालांकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। रोमियो भाई बताए ना इन्हें कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी थी। एसएचओ साहब गलत फहमी हुई है पापा को, इनको तो मैंने खुद गाड़ी दी थी। वैसे मैं भी काफी मुअज्जज बंदा हूँ जी, आप लोग एमपीए पदीना को जानते हैं? नहीं मैं भी नहीं जानता, मजाक कर रहा था। जी गलत फहमी हो गई एसएचओ साहब, इनको मैंने खुद गाड़ी दी थी, हम लोग को जाने दें। ओ चलो ठीक है जी, आप जाएं जी, ले जाएं। रोमियो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तुम्हारी मामा ने कहा था कि उस लड़की से शादी का सोचना भी ना, तो हम क्यों गए उसके घर? वहाँ गली के आवारा लड़के मेरी ही गाड़ी लेकर चले गए। तुम्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। क्या हाल किया है मेरी गाड़ी का? हम आज इस इशू को खत्म कर देते हैं। आज के बाद इस घर में कोई हीर का नाम नहीं लेगा। मैं कहाँ ले रहा हूँ, आप खुद ही उसका नाम ले रहे हैं। क्या कहा इसने? वो कह रहा है मैं कब नाम ले रहा हूँ, आप ही लोग नाम ले रहे हैं। गुस्से का इजहार कर रही हूँ, सुना तो मैंने भी है कि उसने क्या कहा है। राज साहब आप इसके साथ सख्ती करें, ये क्या समझता है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? बंद करो ये राग, हाय हाय मर्द बनो। मर्द ही तो बन रहे, औरत बनते तो ऊँ ऊँ करते। आए जिस हवलदार ने मुझे मारा वो धोबी था। तुझे कैसे पता? वो धोता कम और निचोड़ता ज्यादा था। मैं तो पहले ही कहता था मुझे पुलिस स्टेशन ना भेजो, पुलिस का जरा एतबार नहीं है मुझे। एतबार तो वैसे मुझे आप लोगों का भी नहीं है, लेकिन
दूध जलेबियां तब मंगाओगे जब बेटी का सुहाग गुजर जाएगा। आए अफलातून, ये सब तेरा कसूर है, तू गाड़ी क्यों लेकर गया था है? अब्बा मुझे क्या पता था गाड़ी चोरी की होगी। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक थाने में नहीं हुई। ये रोमियो ये है ही मनु, जब जब मुझे मिलता है मेरी बेइज्जती हो जाती है। अगर रोमियो की हीर से शादी हो गई ना, लिखवा लो मुझसे, मैंने गुजर जाना उस दिन। आए अब्बा वो नजर भाई के लिए जाके जलेबी और दूध लेकर आई है ना। मैं माजून लेके आता हूँ दवा खाने से। वो जो हीर कह रही है वो भी कोई सुनेगा? लाता हूँ।